बार्जुसियंग जिनियासोर आपनलके देखा पाबो हे सकल किशोर किशोरीक जि सकल बयसत कोमलिया किन्तु प्रतिभार क्षेत्रत परिणत बयस कम होलेओ एलोकर काम डांगर कोनोबा सहर नगर महानगर अथवा कोनोबा गाउर ए किशोर सकले निजर बुद्धिरे आरो प्रतिभारे दुनियाखनके आचरित करि तुलिब पारे আর বিশেষ কার্যসূচী আমি সম্প্রচার করিম আগন্তুক 16 জানুয়ারির পর কিন্তু তার পূর্বে আপনাদের সিনাকি করাই দিবলে উলাইছো এনেকে এগৰাকীমান বিস্ময় কিশোরর হইতে মুম্বাইৰ এগৰাকী কাৰাটে কিড 15 বছৰীয়া খুশি নামৰ এই কাৰাটে কিড গৰাকী বিশ্বৰ ভিতৰতে সর্বকনিষ্ঠ ব্ল্যাক বেল্ট প্ৰাপ্ত বিস্ময় কিশোৰী तीन साल के बच्चे के हाथ रुई से मुलायम होते हैं लेकिन तीन साल की उम्र में ही वो हाथ लोहे के बन जाएं, तो उसे कोई क्या मात देगा वैसे भी उसके नाम में ही खुशी है मिलिए खुशी से जो दो बार दुनिया की सबसे कम उम्र की कराटे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बना चुकी है प्रैक्टिस करती हूँ दिन में सुबह मेरी कराटे की प्रैक्टिस होती है और शाम को मेरी वेपन्स वगैरह उनकी प्रैक्टिस होती है खुशी कराटे में कितनी हुनरमंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सिर्फ 7 साल की उम्र में महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनी दो ही साल बाद 2014 में 9 साल की उम्र में खुशी ने झंडा गाड़ा और दुनिया की सबसे कम उम्र की सेकंड डिग्री चैंपियन बन गई 2018 में 13 साल की उम्र में खुशी ने दुनिया की सबसे कम उम्र की थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन का खिताब जीता खुशी की मां बुलबुल पुंज भी जूडो खेलती थी जूडो का वही अनुशासन उन्होंने अपनी बिटिया के दिलो दिमाग में भरा आस पड़ोस के लोगों ने सवाल उठाए कि लड़की को कराटे क्यों सिखाना है चोट लग जाएगी लेकिन एक मां का दिल जानता था कि उसकी बच्ची में एक अनोखा जुनून है 4 साल की भी नहीं थी वो उसी टाइम उसने एक इंटरस्टेट चैंपियनशिप में शी वाज द यंगेस्ट और जिस कैटेगरी में भी वो खेल रही थी उसमें भी सबसे छोटी थी और उसने 2 सिल्वर मेडल मारे थे और उसके बाद वो नेशनल्स खेलने पूना गई थी तो मतलब तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये आगे जाके कुछ कर सकती है इसी का नतीजा है कि इतनी कम उम्र में ही खुशी के पास देश विदेश में जीते 400 से ज्यादा मेडल हैं और वो हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया में भी अपनी दावेदारी पेश करने वाली है मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मम्मी का काफी इम्पोर्टेंट रोल है टूर्नामेंट्स में अगर जल्दी जल्दी कभी पहनना होता है तो स्टार्टिंग में तो मैं पहन के चली आती हूँ उसके बाद अगर एक फाइट दो फाइट हुई तो हमें अपना जो ग्लव्स वगैरह उनका कलर चेंज करना होता है जो है तो वो जब चेंज करना होता है तो हार्डली वो 1 मिनट से भी कम टाइम देते हैं तो मम्मी उधर सारे इक्विपमेंट्स लेके बैठी होती हैं और वो जल्दी जल्दी मेरे चेंज करवाती हैं उतार के वो पहनाती हैं एक माँ की इच्छा ने एक बच्ची को जैसे नए पंख दे दिए हैं अब वो नहीं रुकने वाली এই কিশোরীগৰাকী সঁচাকৈ বিস্ময়কৰ কোনে জানে এনে আৰু কিমান প্ৰতিভা সম্পন্ন বালিকা আমাৰ আছে চৌপাশে গতিকে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা নিউজ 18ত আপোনালোকে দেখা পাব এনেকুৱা কিছু বিস্ময় ধৰক কিশোৰ কিশোৰী যিয়ে আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব পৰা উদ্যম প্ৰতিভা আৰু সাহসৰ কাহিনীৰ লগতে বিখ্যাত চেলিব্ৰিটিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যুগলবন্দী আমি আগবঢ়াম গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব বাইজুছ ইয়ং জিনিয়াছ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা